राज्य सरकार व कौशल्य विकास मंत्रालय की ओर से नागपुर शहर में दो दिवसीय नमो महारोजगार मेलावा का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन शनिवार को किया गया। नागपुर शहर के जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवन परिसर, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ परिसर में आयोजित इस दो दिवसीय मेलावा का औपचारिक उद्घाटन शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भी उपस्थित हुए थे। इस समय उन्होंने उपस्थित युवाओं को संबोधित किया, साथ ही देश के कुछ युवा व्यापारियों से चर्चा भी की। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है, और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है बल्कि वो दो चार और लोगों को रोजगार देता भी है। सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आइए अब देखते हैं कौन है जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास खड़े जुड़ने वाले हैं मेरे से। अब हम चंडीगढ़ चलते हैं जहां मोना जी जुड़ी हुई है। मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। कार्यक्रम के दौरान एक रोजगार पुस्तिका का विमोचन भी मान्यवरों के हस्ते किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने उपस्थित युवाओं को संबोधित किया। अपने थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैरियर गाइडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यांचे पण आपण कोर्सेस देणार आहे, तुम्ही सर्वजण त्यामध्ये भाग घ्यावा। मी आता इथे आपले नेते माननीय नितिन गडकरी थोडे वेळामध्ये येणार आहे, त्यांचे पण आपण ऐकू। हा जे लढाई आहे, हा लढाई बेरोजगारीतून लढाई आहे, हा लढाई आपले युवक युवत्यांना आत्मनिर्भर करायची लढाई आहे, आणि हा लढाई आज महाराष्ट्र समोर सर्वात मोठी लढाई आहे। हा लढाईमध्ये कृष्ण अर्जुन दोघांचे रोल कोण करत आहे तो हे माननीय देवेंद्रजी फडणवीस करत आहे, माननीय देवेंद्र। कार्यक्रम में बोलते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम का आयोजन नागपुर में किया गया। ये मेलावा उद्योजक और युवाओं के बीच का दुआ है। आज मला अतिशय आनंद है कि आपण नमो महारोजगार मेलावा आयोजित केला। महाराष्ट्र शासनाने विशेषतः कौशल्य विकास विभागाने पुढाकार घेऊन या मेळाव्याचं आयोजन केलं आणि प्रचंड प्रतिसाद या मेळाव्याला या ठिकाणी लाभलाय। एकीकडे रोजगार आकांक्षी तरुणाई आणि दुसरीकडे रोजगार देण्याकरता तयार असलेले उद्योजक या दोघांना एका मंचावर आणण्याचं काम हे या मेळाव्याच्या माध्यमातून आपण केलाय। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय मेलावा से 10 से 12 हजार युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, जिसके लिए वे राज्य सरकार का अभिनंदन व धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना हमें पूर्ण करना है। गरीबी कहाँ है? कारण रोजगाराचा अभाव है, आणि जर रोजगार मिळाला तर गरिबी दूर होईल आणि सुखी समृद्ध संपन्न राष्ट्र म्हणून आपण निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही। आपले प्रधानमंत्री मोदी यांचं स्वप्न आहे की 5 ट्रिलियन डॉलरची इकॉनॉमी आपल्याला करायची आहे आणि विशेषतः आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न त्यांचं पूर्ण करायचं आहे, आणि हे जर करायचं असेल तर रोजगार निर्माण करणारी अर्थव्यवस्था ही आपली गरज आहे। येणाऱ्या काळामध्ये मला अतिशय आनंद आहे आणि या ठिकाणी सांगताना मला खूप समाधान आहे की 2014 पासून मिहान प्रकल्पामध्ये आम्ही विशेष रूपाने लक्ष घातलं। माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी या प्रकल्पाला ओनरशिप दिली आणि त्याच्यामार्फत 2014 पासून तर 2023 पर्यंत हा सगळा आकडा गोळा केल्यानंतर 68,000।
इस कार्यक्रम के लिए 60,000 से भी ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। साथ ही 798 कंपनियां यहां रोजगार देने के लिए उपस्थित हुई है। नागपुर विद्यापीठ के कुलगुरु सुभाष चौधरी, विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिद्री, जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर भी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।